कुछ दिनों में 40 टन की दो विशाल शिलाएं भारत पहुंचने वाली हैं। ये दोनों शिलाएं नेपाल से भारत पहुंच रही हैं। नेपाल में 26 जनवरी को इन दोनों शिलाओं को ट्रक पर लोड किया गया था और अनुमान लगाया जा रहा है कि 2 फरवरी के दिन ये दोनों शिलाएं वहां होंगी जहां बेसब्री से इनका इंतजार हो रहा है। जिस रास्ते से ये दोनों शिलाएं नेपाल से भारत पहुंच रही हैं, उस रास्ते पर हजारों लोग इन्हें देखने के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि ये दोनों शिलाएं अयोध्या की तरफ बढ़ रही हैं, जहां राम मंदिर के लिए इनसे श्री राम और माता सीता की मूर्ति बनाई जाएगी। इन शिलाओं से बनी मूर्तियां गर्भगृह में रखी जाएंगी या फिर परिसर में कहीं और, ये अभी तक तय नहीं हुआ है। इस पर राम मंदिर ट्रस्ट अंतिम फैसला लेगा। आपको बता दें कि ये दोनों शिलाएं 600 साल पुरानी हैं और इन्हें नेपाल की गंडक नदी से निकाला गया है। ये दोनों शालिग्राम शिलाएं कहलाती हैं, जिन्हें जियोलॉजिकल और आर्कियोलॉजिकल विशेषज्ञों की देखरेख में निकाला गया है। पूजा अर्चना के बाद दोनों शिलाओं को ट्रक पर चढ़ाकर सड़क के मार्ग से अयोध्या भेजा जा रहा है। रास्ते में इन शिलाओं के दर्शन और स्वागत के लिए हजारों लोग जुट रहे हैं, इन शिलाओं को हाथ लगाकर आशीर्वाद ले रहे हैं। कई लोग तो इन शिलाओं को देखकर भावुक भी हो गए। आपको बता दें कि अयोध्या पहुंच रही इन शिलाओं में से एक शिला का वजन 26 टन है, जबकि दूसरी शिला का वजन 14 टन है। ये पवित्र शिलाएं जनकपुर से होते हुए नेपाल के जटही बॉर्डर से भारत में प्रवेश करेंगी। आपको बता दें कि माँ सीता नेपाल के राजा जनक की बेटी थी और उनका विवाह अयोध्या के भगवान राम से हुआ था। एक और दिलचस्प बात आपको यहाँ पर बताते हैं। जिन शिलाओं को अयोध्या लाया जा रहा है, इन्हें शालिग्राम भी कहा जाता है। शालिग्राम पत्थर बेहद मजबूत होता है, इसीलिए शिल्पकार बारीक से बारीक आकृति इन पर उकेर सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शालिग्राम को भगवान का रूप भी कहा जाता है। नेपाल की जिस गंडक नदी से ये शिलाएं निकाली गई हैं, उस नदी को आमतौर पर शालिग्राम नदी भी कहा जाता है।